अरे अष्टदेवों में से कोई ऐसी आत्मा है तो अष्टदेव आठ हो, लेकिन उनमें भी अव्वल नंबर कोई है। जब से बाप के बनते हैं तब से लेकर के अंत तक कभी भी ग्लानी करने वाले नहीं बनते, सपोर्ट करने वाले बनते हैं, सहयोगी बनते हैं। भले आखिरी जन्म में तो सबको माया उनकी गिराई दी, तो उनमें भी अव्वल नंबर कौन है? काशी नगरी, तो काशी नगरी सबसे प्यारी भी लगनी चाहिए। अगर प्यारी नहीं लगती है, लक्ष्मी प्यारी लगती है, पार्वती प्यारी लगती है, तो इसका मतलब ये हुआ, क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि बाप का जो पार्ट है वो भी एहसान फरामोश है। है या नहीं? नहीं है? अरे सारा जीवन जिसने सहयोग दिया, कभी भी सहयोग ही नहीं मना। तो उसको सपोर्ट न करना और दूसरों को सपोर्ट करना, ये एहसान फरामोश नहीं हुआ? अरे न हाँ करते न ना करते हुआ। इसलिए शंकर की सबसे प्यारी नगरी दिल्ली नहीं है, क्या काशी ही है जो शंकर की सबसे प्यारी नगरी है। पहले काशी को भी नहीं, पहले काशी को नहीं बोल दिया, कार्डन भरा जा रहा क्यों? किसी ने सुना क्या कि काशी को सबसे प्यारी नगरी नहीं बोला? प्यारी है तो अच्छी है ना, है दिल के अंदर है, दिल के ऊपर सवार होना अच्छा है या सर के ऊपर सवार होना अच्छा या गोद में बैठकर सवार होना अच्छा है? दिल के आसन पर बैठना सबसे अच्छा है। हर आदमी के जीवन में ये प्रसंग आता है तो हर आदमी ऐसा कह सकता है क्या बोले? क्या बोला माता जी ने? हर आदमी के जीवन में ऐसा प्रसंग आता है कि क्या ये जो जीवन पर साथ देती है और जीवन के लास्ट टाइम में वो नहीं आती है। हर आत्मा ऐसे ही पार्ट बजाती है? हाँ, हर जीवन में उनकी ऐसा आता है कि नहीं? हाँ आता है। कोई आत्मा ऐसी नहीं है इस दुनिया में जिसको माया अपने कब्जे में कभी न करती हो। तो क्या हम कोई कहता है क्या कि मैंने ये कहा कि कोई व्यक्ति सारा जीवन आज से लेकर के अंत तक सहयोगी बन करके रहता है, तन से मन से धन से समय से संपर्क से संबंधियों से देता है सहयोग, लेने की इच्छा नहीं करता है, तो एहसान मानना चाहिए कि नहीं? उसका वो भगवान तो नहीं है, है? अरे भगवान का भी एहसान न मानो तो अच्छी बात, क्योंकि भगवान तो भगवान ही है। लेकिन जो इंसान है वो ऐसे नहीं होते हैं। कैसे? जो जन्म जन्मांतर तक सहयोगी बन करके रहे, तो जो जन्म जन्मांतर तक सहयोगी बनने वाली आत्मा है उसका एहसान नहीं मानना चाहिए, दूसरों का एहसान मान लेना चाहिए। जिन्होंने बीच में धोखा दिया या सहयोग दिया ही नहीं मारे डर के, और तो सब बातों में अव्वल नंबर बार बार मत रिपीट करो। एक बार बात साबित हो गई कि सब बातों में अव्वल नंबर राम वाली आत्मा नहीं है,
सुख भोगने में राम वाली आत्मा अव्वल नंबर नहीं है, उससे भी ज्यादा अव्वल नंबर लक्ष्मी वाली आत्मा है। और लक्ष्मी वाली आत्मा से भी प्रैक्टिकल में अगर देखा जाए तो ज्यादा अव्वल नंबर वाली आत्मा शिव की दृष्टि में, जिसको शिव बहुत महत्व देता है, शिव बाप लक्ष्मी को भी उतना महत्व नहीं देता। किस आत्मा की पढ़ाई के ऊपर सबसे जाती नजर है शिव बाप की, जिसके लिए बोला एक के पतित बनने से सब पतित हो जाते हैं, एक के पावन बनने से सब पाव, वो कौन तो सबसे जाती सुख भोगने वाला कौन सा साबित होना चाहिए प्रैक्टिकल जीवन में है? बनिए नाम ही है बाप दादा, काफी है सुख दुख में एक दूसरे के। बच्चे जो है वो बाप दादा को भले अलग अलग करें लेकिन बाप दादा फिर भी एक हो जाते हैं। और बागने का विचार है हाँ जी बोलो चांदन की शूटिंग कैसे होती है राम बजे? देता है फिर लेता है तो चांदन नहीं बनेगा। क्या दिया? लेकिन आदमी सब कुछ दे दिया था, लेकिन दिया था तन मन धन सब सहयोग सब कुछ नहीं दिया? नहीं दिया, दिया ना। सब कुछ देने के बाद फिर जब दुकान का बंटवारे की बात आई, एक एक पैसे का हिसाब दिया? दिया, दिया। हम पूछते हैं आपसे दिया मुरली में क्या आया? मुरली में तो आया जो दे दिया तो ले लिया, इसका मतलब एक एक पैसे का हिसाब नहीं दिया। तो गरीब घराने में जन्म होगा या साहूकार घराने में जन्म होगा? पैसे पैसे के लिए मोहताज होना चाहिए अगले जन्म में, गरीब बनना चाहिए या साहूकार का बेटा बनना चाहिए? गरीब बनना चाहिए, वो भी कल्याण होगा। हाँ बाबा शिव जो बातें हैं ना, शिव बाप तो वो मावन के तो एकदम मालदार में आते हैं पैसे वाले में, और बाबन के गरीब भी आ जाते हैं। तो आईसी जोड़ी कहाँ है दुनिया में कि जो माँ पैसे वाली हो बाप करेगी? हैं दुनिया में? रामकृष्ण की है। हाँ तो जोड़ी कहाँ है दुनिया में? ऐसी जोड़ी नहीं होती है जो माँ ज्यादा पैसे वाली हो। मेरा ससुराल बड़े पैसे वाला नहीं होती है, ब्रह्मा बाबा वास्तव में कृष्ण वाली आत्मा क्राइस्ट से राशि मिलती है कि नहीं मिलती है? तो क्रिश्चियन डिनेस्टी में रानी को ज्यादा महत्व दिया जाता है या राजा को ज्यादा महत्व दिया जाता है? रानी को महत्व दिया जाता है। रानी के साथ शादी गरीब की होगी या साहूकारी की होगी? किचन में ऐसे ऐसे हुए हैं जो खुद बनकर के टप्पू रहते हैं और राज चलता है रानी का। तो ऐसा बात नहीं है कि दुनिया में ऐसा नहीं होता है। अरे ब्रह्मा बाबा ने शूटिंग की है तो दुनिया में क्यों नहीं होगा? हाँ जैसे कि आपको मैंने शूटिंग की है तो किचन उसको फॉलो जरूर करेंगे। भारतवर्ष में किचन का राज्य हुआ जब महारानी विक्टोरिया आई और गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया तो किचन की नजर में
विक्टोरिया का ज्यादा महत्व था या उसके पति का महत्व था? और ये आप कैसे साबित करेंगे? ब्रह्मा बाबा शुरुआत से ही हीरों के बड़े व्यापारी रहे लंबे समय तक, और उनका जो भागीदार था बहनोई था वो छोटी सी दुकान घर के बैठा हुआ। कंस्ट्रक्शन शुरू होने से 10 साल पहले उसको बाबा ने अपनी दुकान में नौकर रख दिया, पहले नौकर रखा 10 साल। फिर जब साक्षात्कार हो गए तो नौकर की होशियारी देख करके उसको सारी दुकान सौंप दी। भले नौकर ज्यादा होशियार था, वफादार था, तो संक्षत्र के बाद जो कमाई करेगा 5-7 सालों में उसमें ज्यादा काउंटर बन जाएगा और ब्रह्मा वाली यात्रा कम काउंटर रहेगी। आपका गणित क्या कहता है? अरे बोलो तो हाँ ना। हाँ बाबा, लेकिन वो व्यक्ति इतना ईमानदार था तो फिर पैसा वापस थोड़ी ऐसे में ले सकता है ना। उनको तो कोई अपना बच्चा नहीं था तो उन्होंने अपने में भी जमा कर दिया होगा ना। अरे तुमको पता है कि पैसा आया कि उनका कोई बच्चा था या नहीं था? मुरली बोला है ऐसा? कोई मुरली ने बोला है कि भागीदार को कोई बच्चा नहीं था? अच्छा क्यों लगाना, अनुमान से नुकसान होता है आपको। ब्रह्मा बाबा की बड़ी लड़की को उन्होंने गोद लिया था, तो गोद लेने से क्या ये साबित हो जाता है कि ज्यादा साहूकार था? गरीब आदमी बोल नहीं दे सकता, इसलिए ये कहना रांग है कि ब्रह्मा बाबा जितने साहूकार थे उतना ही साहूकार भागीदार भी था। नहीं, भागीदार तो पिछले जन्म में भी गरीब था क्योंकि सच्चाई सफाई के आधार पर दुकान चलाता था, और कृष्ण वाली आत्मा तो किसके को फॉलो करने वाली है? पांच पेंट शो करने वाली है। तो आज की कंजूगी दुनिया में पांच पेंट शो के आधार पर दुकान चलाने वाला ज्यादा धनवान होगा या सच्चाई से हीरो की दुकान चलाने वाला ज्यादा धनवान होगा? ऐसा ही था।
एक मिनट, हाँ जी हाँ जी ये खालसा की मान्यता कौन से धर्म वालों में है? सिख धर्म वालों में है। तो सिख धर्म की कोई ऐसी आत्मा हो सकती है? जो ऑर्डर देना बहुत अच्छे जानती है, ऐसे करो वैसे करो, तो ऑर्डर देने वाले क्या बनेंगे? हा? अभी तो बताया सास बन पड़ेंगे। तो सास का राज्य चलेगा कि नहीं चलेगा? हा? चलेगा। 63 जन्मों का हिसाब किताब उससे पूरा होगा कि नहीं होगा? है? हो जाएगा। है? संगम युग में जिनको आर्डर चलाने की तांत लगी हुई है उनकी आस शिव बाबा पूरा करेगा या नहीं करेगा? है? करेगा। जिनकी आर्डर चलाने की तांत नहीं है, कोई भी प्रकार से सेवा करने की तांत है, लगन लगी हुई है, वो तो सेवा ही करेंगे। बल कोई उनके ऊपर आर्डर चलाते रहे, आर्डर चलाने वालों की भी सेवा करेंगे, तो प्राप्ति कहाँ पाएंगे? संगम युग में प्राप्ति पाएंगे या सत्युग में पाएंगे? है? सत्युग में प्राप्ति पाएंगे। और मुरली में जो बात आई शूट करने की, तो बाबा बेहद की शूट कैसे करेंगे? ज्ञान में चलते चलते शूट नहीं हो जाते हैं, अनिश्चय बुद्धि नहीं हो जाते हैं। ज्ञान इतना गहरा है कि अगर मार्शल ला लागू हो जावे और श्रीमत का एक एक पॉइंट के लिए बहुत सख्ती हो जावे तो कितने बचेंगे मालूम है? हाथ ही बचेंगे। तो शूट हुए कि नहीं हुए? और हाँ एक दंत देव दया वंश दिखाते हैं। हाँ जानवर जो चीड़ फाड़ करते हैं, हिंसा करते हैं, उस हिंसा के काम में उनका कौन सा अंग ज्यादा काम करता है? हाँ? आंख ज्यादा काम करती है, हाथ ज्यादा काम करते हैं? नहीं। शेर को अगर किसी जानवर को चीड़ फाड़ के खा जाना है तो कौन सा अंग ज्यादा काम करेगा? दांत ज्यादा काम करेगा। जो कमजोर जानवर होते हैं उनके सींग काम करते हैं, जो खूंखार जानवर होते हैं उनके बड़े बड़े दो दांत होते हैं या चार दांत होते हैं, वो ज्यादा काम करते हैं। तो गणेश भी कैसा जानवर है? हाथी रूपी महारथी है, परंतु उसका एक दांत परशुराम ने तोड़ दिया। एक दांत से ही हिंसा करता है,
दूसरा दांत तो छोटा हो गया, तो फायदा होता है या नुकसान होता है? गणेश को फायदा है। जितना जानवरियत का अंग से ज्यादा काम करेगा उतना ज्यादा नुकसान होगा। इसलिए उनको भी फायदा है। हाँ, कहानियां हैं। कहाँ की कहानियां? तो यहीं की हैं। शिव है भगवान, रामकृष्ण भगवान है क्या? राम की आत्मा से जो पैदाइश होगी और शिव की आत्मा से जो पैदाइश होगी, बड़े से बड़े बच्चे की, उन बड़ल्ले बच्चों में फर्क होगा या नहीं होगा? तो फर्क दिखाया गया, मनुष्यों से मनुष्यों की पैदाइश हो सकती है। मनुष्य सब होते हैं दो मुहे, चार मुहे, छह मुहे, अनेक प्रकार की बातें करने वाले होते हैं। तो कार्तिकेय दिखाया गया है। नाम रख दिया मुरुगन स्वामी। क्या? मुरुगन स्वामी। क्यों? मुर्गा क्या करता है? औरों को सबको जगा देता है और खुद सो जाता है। तो जानवरों की पैदाइश या मनुष्यों की पैदाइश भगवान नहीं करता। भगवान किसको पैदा करता है? मनुष्यों को क्या बनाता है? देवता बनाता है। वो काम रामकृष्ण की आत्माएं नहीं कर सकती, मनुष्य को देवता बनाने का काम। उनकी रचना देवता नहीं बनेगी। तो वो बात शास्त्र में दिखाई गई है। और जानवरों को दंड नहीं मिलना चाहिए? जानवरों का अहंकार खत्म होता है क्या? है, खत्म हो जाता है? नहीं, उनका अहंकार खत्म ही नहीं हो सकता। हाँ, और गौरव मंसपिंड पांडव मंत्रपिंड मंसपिंड मंत्रपिंड मंत्र में पिंड गौरव बोलो जो कन्नड़ वाले समझ जाए। गौरव मंत्रपिंड मंत्रपिंड मंत्रपिंडार मंत्र और मांस नूर पिंड उठे मांस माने दे अभिमान। मांस माने देह अभिमान और मंत्र माने महामंत्र हमारे पास है। कौन सा महामंत्र है? मन मना भव। तो मंत्र तो अच्छी चीज है। असली मंत्र देने वाला तो शिव बाबा है। तो मंत्र से पांडवों की पैदाइश होती है। पंडा देगा मंत्र तो पांडवों का जन्म होता है। कौरवों का जन्म देह अभिमान से होता है। कौरवों का राज्य कहाँ था? हस्तिनापुर। नाम क्या रखा? हाथियों का पुर। हाथी में झूमता रहता है।
उसकी एक्ट से ही क्या मालूम पड़ता है, नस नस में देहवान भरा हुआ है। बाबा ने चार बातों के ऊपर दृढ़ता बताया, उसमें शुभ वृत्ति और शुभ वायुमंडल बताया, ये दोनों बातों का फर्क क्या है? वृत्ति वृत्ति बनती है जो मनसा के संकल्प चलते हैं, वो संकल्प चारों तरफ वृत्ति बनाते हैं। वृत्ति माने वृत्ताकार होकर के वाइब्रेशन के रूप में घूमते हैं, उसको कहा जाता है वृत्ति। वो जैसे जैसे फैलते जाते हैं वायुमंडल वैसा ही बनता जाता है। हाँ, तो जब वृत्ति बनेगी वायुमंडल फैलता रहता है, वो बड़ा होने से वायुमंडल। हाँ, जो वृत्ति है वो छोटी छोटी चीज हो गई, मनसा से शुरुआत होती है वृत्ति की, फिर वायुमंडल में फैलता जाता है। और हाँ जी, लक्ष्मी आने के पहले राक्षस को नष्ट है, राक्षस का विनाश हो जाता है, लक्ष्मी राक्षसों का विनाश हो जाता है, तब लक्ष्मी आती है, है? अगर राक्षसों का दुनिया से विनाश हो जाए तो शत्रु आ जाएगा कि नहीं है? दुनिया में राक्षसों की संख्या ज्यादा है या देवताओं की संख्या ज्यादा है? राक्षस ही अगर खत्म हो गए तो फिर किसकी दुनिया रह जाएगी? तो देवताओं की दुनिया रह जाएगी, ऐसे नहीं होता है। और है मैड चैप्स के, मैड माने पागल, चैप्स माने बंदर। हाँ जी, देवताओं के बीच में राक्षस के थे, अभी संगम युग में राक्षस और देवताएं दोनों नहीं बैठे हुए हैं, चेहरे अभी तैयार नहीं हो रहे हैं। अभी ब्राह्मणों के बीच में कौन से राक्षसी ब्राह्मण बैठे हैं और कौन से देवात्माएं बैठे हुए हैं, ये देखने में नहीं आता, नहीं आता। यहाँ की ही तो बात है, शास्त्रकारों ने समझ लिया है कि देवताओं और असुरों की लड़ाई लगी। बाबा कहते हैं जो देवात्माएं होंगी वो तो अशांति फैला देंगी ही नहीं, लड़ाई लड़ेंगी ही नहीं। क्या बताया आज, कोई कुछ लड़ाई की बात करता है तो क्या करना चाहिए, हट जाना चाहिए, वो लड़ाई लड़ता रहे, हम नहीं लड़ाई लड़ेंगे। हाँ, शुभ वायुमंडल के लिए बाबा ने बताया छोटे और नए, हर एक आत्मा जुम्मेवार है। छोटा जो है वो बेसमझी का वृत्ति का बनाएगा और जो बड़ा है वो समझदार वृत्ति का वायुमंडल बनाएगा, अंतर तो होगा ना छोटे बड़े में। बड़े छोटे कहेंगे बेसिक वालों को, बड़े कहेंगे एडवांस वालों को। छोटे और नए बताए। हाँ, नए छोटे भी हैं, एडवांस वालों में भी छोटे छोटे भी हैं और नए नए भी हैं। हर एक आत्मा जिम्मेवार है। हाँ, वृत्ति जैसी बनाएंगे वैसा ही उसका रिजल्ट आवेगा, तो जिम्मेवार कौन हुआ बनाने का, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, जिम्मेवार तो हुआ। एडवांस पार्टी और प्रकृति भी बीके लोग को बता रहे बाबा ने, वो इंतजार है
ये तीन इंतजार कर रहे हैं, बाप दादा और एडवांस पार्टी और प्रकृति है जी, इंतजाम होने के लिए बिके वालों को बता रहे हैं। हाँ, इंतजाम करो। हाँ, इंतजाम करो का मतलब तैयार कौन है और न तैयार कौन है, माने बेसिक वाले अभी तैयार नहीं है और एडवांस वाले तैयार है, प्रकृति भी तैयार है। प्रकृति क्या बात है, है? प्रकृति क्या बात है, क्यों प्रकृति एडवांस में से नहीं है? प्रकृति जो है वो एडवांस की दुनिया से क्रॉस होकर नहीं जाती है, है? प्रकृति माना चैतन्य का कैसा लागू होता है या जड़ को कैसा लागू होता है? हर कार्य पहले चैतन्य से ही शुरू होता है, बाद में जड़ की तरफ जाता है। चैतन्य परिवर्तन करेगा या जड़ परिवर्तन करेगा? चैतन्य पहले परिवर्तन करता है। तो प्रकृति बना दी है, जगदम्बा भी तैयार है। हाँ जी, और तो देहज में आर्मी नेवी माना क्या? देहज में आर्मी नेवी, आर्मी आर्मी माने स्थल सेना में जो भर्ती होते हैं, जमीन के ऊपर लड़ाई लड़ते हैं, उनको कहा है बाबा ने आर्मी। नेवी उनको कहा है जो सागर में ही रहते हैं। क्या? ज्ञान सागर में ही डुबकी मार के रहते हैं, उनको कहा नेवी वाले। ये दोनों मिलकर के एक नहीं हो सकते, अगर एक हो जाएं तो कुछ भी कर देंगे। तीन सेनाएं हैं, एक है एयरफोर्स हवाई सेना, दूसरी है जल सेना, जल सागर में रहने वाली सेना, और तीसरी है जमीन पर मार करने वाली सेना, भले अंडरग्राउंड में भी हो। ज्यादा सत्ता किसके हाथ में रहती है? हाँ, जो स्थल सेना के भांति होते हैं उनके हाथ में ज्यादा सत्ता होती है, परंतु वो ज्यादा सत्ता होने के बावजूद भी अगर नेवी वाले उनसे मिल जाए तो कुछ भी धड़ाका कर सकते हैं। तो ये तीन भी रेडी है तो विजय वाला तो पहले शुरू हो रहा है, रेडी होना चाहिए ना। जैसा अभी बाबा 18 जनवरी में कहा है, और एडवांस पार्टी और बाप दादा और प्रकृति प्रकृति तीनों तैयार है, तो ये इंतजाम में है जमा कुमार से, तो विजय माला है वो पहले रेडी होना चाहिए ना। विजय माला रेडी होने के बाद चाहिए चाहिए तो थोड़ा ही हो जाएगी, पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा, हिम्मत तो करनी पड़ेगी। एडवांस पार्टी वालों को साथ देने के लिए अंदर से तो हिम्मत भर रहे हैं कि वहां सच्चाई है, हमें साथ देना चाहिए, लेकिन चाहिए चाहिए वाली बात अलग, और प्रैक्टिकल फील्ड में आकर के सहयोग देने लग पड़े वो बात अलग है। इंतजाम के लिए सब धर्म आत्मा को मिला के बोल रहा है, सब धर्म की आत्मा ये तो है ना, वहाँ यहाँ नहीं है, वो तो यहाँ भी है तो वहाँ भी है, यहाँ सब धर्मों के बीज है, वहाँ ज्यादा है। अब वो तो ठीक है, बेसिक पढ़ने वाले पढ़ाई ज्यादा होते हैं और एडवांस की पढ़ाई पढ़ने वाले थोड़े होते हैं।
बाप परंतम से नीचे आ चुका है और वहाँ में जो आने वाले हैं कीड़े मकोड़े जैसे बताया, तो ये सर्टिफिकेट या सर्टिफिकेट लेना है तभी तो सीख सकते क्या लेना है और कीड़े मकोड़े जैसे वो सब आने वाले आत्मा है। संगम युग में कोई कोई बच्चे दो तीन जन्म भी लेते हैं तो हो सकता है सन 36 के बाद जो आत्माएं परमधाम से उतरती है वो दो तीन जन्म से ज्यादा जन्म लेने वाली नहीं हो सकती है, हो सकती है। तो वो तो फिर भी श्रेष्ठ आत्माएं हैं लेकिन वो तो परमधाम से आने वाला नहीं है। ज्यादा निश्चय जो है कीड़े मकोड़े मिसल तो वो है जो सिर्फ एक ही दो जन्म लेते हैं, एक जन्म लेते हैं दिव्य जन्म प्रवेशता का और दूसरा जन्म लेते हैं गर्भ से, बस आए और गए। वो तो रौरव नरक में ही होगा, अभी रौरव नरक महसूस नहीं हो रहा है बहुतों को। जो गरीब निवार बाप के बहुत गरीब बच्चे हैं वो इस दुनिया में रौरव नरक अनुभव कर रहे हैं, बाकी तो रौरव नरक समझते ही नहीं है क्या चीज है। अपरम अपार दुख, दुखों के पहाड़ गिरने हैं, वो अभी अनुभूति हो रही है क्या? अगर वो अनुभूति होने लगे तो अमृत वेला नींद आएगी है, नींद ही उड़ जाएगी। और विष्णु के चित्र में चार भुजा रूपी चार आत्माएं हैं और उन चार भुजाओं को चलाने वाली एक सुपर है। हाँ जी, सुपर पार्ट बजाने वाली, जो विष्णु का सुपर पार्ट बजाती है, चारों भुजाओं को चलाने वाली साबित होती है। तो उन चार भुजाओं में जो चौथी भुजा है, विष्णु की चौथी भुजा में कमल फूल दिखाया जाता है, वो विष्णु प्रिया कही जाती है। क्या विष्णु को बहुत प्रिय है? जो काम स्वयं विष्णु नहीं कर सकता है, नहीं करता है, वो काम विष्णु की प्रिया करके दिखा देती है। असुर संहार कारिणी रूप धारण करने वालों में अव्वल नंबर जाती है। बाप विनाश नहीं करता, बाप तो प्यार का सागर का ही पार्ट बजाता है, परंतु शक्तियां गाई हुई हैं असुर संहारिणी, इसलिए विष्णु प्रिया गाया हुआ है। अगर आए तो पहले उठा लेना ज्ञान में। हाँ, दो प्रकार की तुलसी है, दोनों ही विष्णु प्रिया है।
काली तुलसी और हरी हरी से तुलसी, हरी तुलसी तो विष्णु देव का है। हाँ, जो हरी से तुलसी है वो घर गृहस्थ में पलती है, जो काली तुलसी है वो कांटों के जंगल में पलती है। कांटों के जंगल में तो राक्षस और जानवर रहते हैं, विचरण करते हैं। जो हरित तुलसी है वो विष्णु के ज्यादा नजदीक है या जंगल में रहने वाली ज्यादा नजदीक है? है हरित तुलसी प्रवृत्ति मार्ग की सूचक है, घर परिवार में रहती है, इसलिए विष्णु प्रिया कही जाती है। दोनों को विष्णु प्रिया कहा जाता है, काम अलग अलग। अब नंबर बार तो होते ही है। और जब यज्ञ स्टार्ट हुआ उसी टाइम में प्रजापिता 7 साल का, प्रजापिता प्रजापिता का उनका जन्म का वर्ष कैलकुलेट करेंगे तो वो 18 एजी सब चाहता है। हाँ, मतलब पहले राम की आत्मा के जन्म 1876 में से 7 साल घटा दिए। हाँ जी, तो इसके पहले तो ये रजीला है, मोहम्मद जबर रजीला। हाँ, ये मोहम्मद दस अंतिम शासक। बहुत कम वर्ष में राम की आत्मा क्या उतना अल्पायु में छोड़ सकता है? क्यों नहीं छोड़ सकता है? वो तमो प्रधान बनेगा तो बड़ा योगी होगा या भोगी होगा? बटलियन ये होली में बोला है कि अंत के टाइम में उनका आत्मा गिरता है या उठाई लेता है। हाँ, उसी टाइम में कैसे हो सकता है? हैं, उसी टाइम में उतना माने राजाओं को आप बहुत गिरा हुआ समझेंगे? राजा वर्ग की जो आत्मा है वो ज्यादा गिरी हुई है या प्रजावर्ग की आत्मा ज्यादा गिरी हुई होती है? राम के लिए तो गैंग है राम राजा राम प्रजा। राम वाली आत्मा राजा भी बनती है, महाराजा भी बनती है, साहूकार भी बनती है और चांडाल भी बनती है। प्रजा में सबसे नीचा पद है चांडाल का, तो वो तो इम्प्रर है। कौन है? मुगल संतनत का आखिरी बादशाह, वो तो फिर भी बादशाह है। बादशाह जो भी बनेंगे, चाहे विकारी दुनिया के बादशाह बने और चाहे निर्विकारी दुनिया के बादशाह बने, पुरुषार्थ किया होगा तो बनेंगे या बिना पुरुषार्थ के बनेंगे? है, पुरुषार्थ किया है, साकार में निराकार को याद किया है, तो नई दुनिया सतयुग के वारसदार बनेंगे। और निराकार नहीं याद आया, देवभान ज्यादा रहा और देवभान के कारण निराकार का जो रथ ही याद आता रहा, मिट्टी ही याद आती रही, जिस मिट्टी के लिए
अव्यक्त वाणी में बोला है भक्ति मार्ग में भगवान की चरण रज को भी माथे से लगाते हैं। तो भगवान की बुद्ध रूपी चरण की रज क्या हुई? रज माने मिट्टी। कौन सी रज हुई? जो प्रजापिता का शरीर है वो ही चरण रज हो गई। अगर उस साकार रूप को भी याद किया तो भी कम बात नहीं है, क्योंकि वो भी प्राप्ति विकारी दुनिया में कराएगा। जो विकारी दुनिया में राजाएं बनते हैं वो प्राप्ति किससे होती है? निराकार से होती है या साकार से होती है? निराकार से होती है, नहीं साकार से होती है। हाँ तो फिर अकेला निराकार को याद करने वाला कैसा? अकेला नहीं, साकार में निराकार को याद करने वाला सत्युग और त्रेता में प्राप्ति करेगा, क्योंकि प्रवृत्ति मार्ग की याद हुई और सिर्फ साकार को याद किया और बाप को भूल गया, क्योंकि बाप होता है निराकार। तो वो सिर्फ सिरा साकार को याद करना माने माता को याद किया, प्रकृति को याद किया, पांच पुतले को याद किया। हाँ तो विकारी दुनिया की प्राप्ति होगी, निर्विकारी दुनिया की प्राप्ति नहीं होगी। शिव से 21 जन्मों का वर्षा मिलता है और शिव जिसमें प्रवेश करता है उससे वो भी बेहद का बाप है, लेकिन कौन सा वर्षा मिलता है? विकारी दुनिया का वर्षा मिलता है। वो ठीक है बाबा, है वो ठीक है बाबा, है सिर्फ निराकार को याद करने से, सिर्फ निराकार को याद करने से हाँ वो तो विधर्मी आत्माएं हो गई, वो भारत में राजा ही नहीं बनेंगे, वो विदेशों में राजा बनेंगे। वो भी प्राप्ति, फाउंडेशन कहाँ पड़ता है? वो भी यहाँ फाउंडेशन पड़ता है। और मैंने उस समय विदेशों से भी भारत ही प्रेस होगा बिल्कुल। जो और धर्म पिताएं मनुष्य गुरु है उनका भी बाप कौन है? उनका भी बाप साकार है। आदम को तो सब मानते हैं, क्यों नहीं मानते? बोला तो है आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं, ऊंच तो मानते हैं। उनसे दुनिया नीचे गिरी वो हिसाब से उनको नीच मानते, उनको पता नहीं है ना असली बात का, उनको जब पता ही नहीं है तो मानने न मानने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अभी तो असली बात का पता लगता है। और खलास नहीं हो जाता है, वहाँ का मिसाल दिया कि जीते जी मर जाता है। समाप्त करने के अभी मंदिर के मदद में
क्षेत्र समाप्त करने के लिए पहले अभिमन्यु माना अभिमान अभिमन्यु अभिमन्यु करके खत्म करना अभिमन्यु खत्म करने के करना है मदद में करना माना का इनको संपत भाई को पहले समझा दो हम तो बाद में समझेंगे तुम्हारी बात कन्नड़ में समझा दो कन्नड़ में वो भाई बता रहा है कुरुक्षेत्र युद्ध समाप्त करने के लिए पहले अभिमन्यु को मारना पड़ता है अभिमन्यु माना अभिमान वो अभिमन्यु को मारने के लिए मारने के लिए करण की सहायता चाहिए करण की मदद चाहिए करण की मदद चाहिए कि जयद्रथ की मदद चाहिए अभिमन्यु के मारने में जयद्रथ की प्रधानता है या कर्ण की प्रधानता है ಬಾಬಾ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕರ್ಣನ ಸಹಾಯ ಬೇಡ ದೇವದೇವನ ಸಹಾಯ ಬೇಕು ಅಂತ ಕರೆಂಟ್ ಹೀ ಮಾರ್ತಾ ಇನ್ಕೋ ಐಸಾ ಬೋಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಹೀ ಅಭಿಮನ್ಯು ಪೀಚೆ ಆಕರ್ ಮಾರ್ತಾ ಬೋಲ್ ಠೀಕ ಹೇ ವಿಷ ಸೇ ವಿಷ ಮಾರಾ ಜಾತಾ ಹೇ ಲೋಹೆ ಸೇ ಲೋಹಾ ಕಾಟಾ ಜಾತಾ ಹೇ तो जो रावण का रूप है रावण के जो 10 सिर दिखाए गए हैं या राम का बाप 10 रथ दिखाया गया है उन 10 रथों में कौन सा रथ है जो देह अभिमान का सूचक है जिसमें देह अभिमान की प्रधानता है वो कौन सा है गधे का सिर तो जो रावण को गधे का सिर दिखाया गया है वो कौन सी आत्मा की सूचना है किसके कान बड़े बड़े थे किसने पहले सुना ज्ञान को तो जो कर्ण है वो ही सूर्य पुत्र है ब्राह्मणों की दुनिया में सूर्य कौन है जिस सूर्य को भगवान ने पहले पहले ज्ञान दिया राम वाली आत्मा और राम वाली आत्मा से कौन सा पांडव है वास्तव में जो पांडव है लेकिन दुनिया उसको पांडव के रूप में नहीं समझ पाती कौन है वो कर्ण कौन ब्रह्मा वाली आत्मा तो देह अभिमानी जो है वो ही देह अभिमानी को मार सकता है तो क्या बड़ी बात हो गई गलत तो कुछ भी नहीं हुआ नहीं नहीं पांडव नहीं बोला जाता दुनिया नहीं दुनिया नहीं जानती कि वास्तव में कर्ण भी पांडव ही है ये हमारा गुप्त राज है हम समझते हैं कि पांडवों में बड़ा पांडव कौन है युधिष्ठिर युद्ध में स्थिर रहने वाला
ब्रह्मा बाबा वाली आत्मा धारणा में सबसे आगे है, बाकी दूसरा कोई पांडव धारणा में आगे नहीं है। जितनी सहन शक्ति युधिष्ठिर में है उतनी सहन शक्ति कोई भी पांडव में नहीं है, लेकिन वो प्रत्यक्ष पांडव है। लेकिन युधिष्ठिर ही वही आत्मा कर्ण का पार्ट बजाने वाली है ये दुनिया जानती है, नहीं जानती हम बच्चे जानते हैं कि ब्रह्मा बाबा जब तक जीवित रहे तब तक वो कर्ण का पार्ट बजाते रहे। उन्होंने कौरवों का साथ दिया, असुरों को ही वरदान दिया, इस्लामी बौद्ध क्रिश्चियंस जैसे राक्षसी संप्रदाय को ही तरजीह दी, सूर्यवंशियों को तरजीह नहीं दी। रामा प्लान अनुसार सूर्यवंशी जो है वो अपने आप दूर हो जाता है ना। जो फेल हो जाते हैं वो अपने आप ही फेल हो गए या कोई दूसरा फेल कर देता है? अपने आप ही फेल होते हैं। कुछ न कुछ ऐसी श्रीमत की बरखिलाफी होती है तो फेल हो जाते हैं। वो बात में ब्रह्मा बाबा की कुछ गलती नहीं, वो खुद आत्मा होती है वो आत्मा की कमी है। हाँ, ब्रह्मा आत्मा की कुछ कमी नहीं है उस समय। हाँ, उस समय में हाँ जो सूर्य की आत्मा है फैल होकर के छोड़ जाते हैं। हाँ, तो वो आत्मा की कमी है, ब्रह्मा की कुछ कमी नहीं है। क्यों? ड्रामा में किसी की कमी देखी जा सकती है? ड्रामा तो कल्याणकारी है। उस समय की बात, उसी समय की बात है। ड्रामा में सब कुछ कल्याणकारी है, कोई की कमी निकालने की बात ही नहीं। हाँ।